हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 20। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स बिगिन। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 20, डेट 20th ऑफ अगस्त 2020। यहाँ पे कंटेंट है, उसको रीड कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, आई एम श्योर यू आर फाउंड इट इंटरेस्टिंग टू लुक फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर पीपल अराउंड यू, कि आपको अच्छा लगता होगा जब हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज करते हैं लोगों के लिए, उनके बारे में जो और बताते हैं। यू हैव रेड द यूनिट द फन द हेड लास्ट मंथ, हमने ये चैप्टर किया द फन द हेड लास्ट मंथ, उस हमने पढ़ा था। एंड यू गोट टू नो अबाउट द टोमी एंड मार्जी इन दिस वर्कशीट, यहाँ पर जो वर्कशीट दी गई है। इन टास्क ए यू विल फाइंड जम्बल्ड अप करेक्ट स्केच, जो बोथ द करेक्टर्स, दोनों के बारे में कुछ लाइनें दी गई है। एंड यू हैव टू अनजम्बल्ड दीज लाइन्स, हमें इनको अनजम्बल्ड करना है। सो दिस इज आवर फर्स्ट टास्क, हेयर इज द सोल्यूशन। पार्ट ए, टोमी इज अ 13 ईयर ओल्ड बॉय, ही इज स्मार्ट एंड फ्रेंडली, ही इज क्यूरियस बॉय एंड फाउंड हिज ग्रैंड फादर्स बुक। क्यूरियस होता है, जिज्ञासु है, वो स्मार्ट है, फ्रेंडली है, 13 वर्ष का, यही दिया गया ना अपनी बुक में। एंड ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट द टेली बुक्स, कि वो ऑनलाइन बुक्स है, वहाँ से नॉलेज देना उसे पसंद है। सेकेंड वन इज द मार्जी, मार्जी इज अ क्यूरियस बाय नेचर, वो भी जिज्ञासु, जानने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा रहती है। सी शेयर्स हर फीलिंग इन हर डायरी, सी ऑलवेज राइट हर फीलिंग्स इन डायरी, अपनी डायरी में लिखती है जो भी उसे आसपास अच्छा लगता है या दिखता है। शी डिडेंट नो मच अबाउट द पास्ट, उसे पास्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट लाइक रीडिंग अबाउट द पास्ट, लेकिन पास्ट के बारे में उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जानना बहुत अच्छा लगता है। शी फाउंड हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग, शी इज गेटिंग हर एजुकेशन फ्रॉम ए मैकेनिकल टीचर, है रोबोट है, उससे वो एजुकेशन लेती है, उसे बड़ा बोरिंग लगता है वो। शी वॉन्टेड टू गो ए रियल स्कूल एंड इमेजिंड ए रियल ए लाइफ विद फ्रेंड्स, कि वो रियल स्कूल में जाना चाहते हैं जैसे कि हम जा रहे हैं, और वो ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं। तो ये जो जंबल वर्ड थे उसको हमने अलग अलग कर दिया। टास्क बी है, जो बी टास्क आपकी वर्कशीट का दिया गया, वो टास्क दिया गया कि वी हैव टू राइट समथिंग अबाउट आवर फेवरेट करेक्टर फ्रॉम ए नॉवल और ए स्टोरी, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश में हमने कोई नॉवल पढ़ा है, उपन्यास पढ़ा है, या कोई स्टोरी पढ़ी है, तो उसके एक फेवरेट करेक्टर के बारे में लिखना है। तो हियर आई एम राइटिंग अबाउट द धनिया, धनिया फ्रॉम गोदान नॉवल ऑफ मुंशी प्रेमचंद इज माई फेवरेट करेक्टर, धनिया है मुंशी प्रेमचंद के नॉवल गोदान की एक करेक्टर है, चरित्र है, उसको बारे में मैंने लिखा है। सो धनिया फ्रॉम गोदान नॉवल ऑफ मुंशी प्रेमचंद इज माई फेवरेट करेक्टर, धनिया वाइफ ऑफ द सेंट्रल करेक्टर होरी इज वोमेन एमस्ट इन मिजरीज, एक सेंट्रल करेक्टर है धनिया, इस में वाइफ है होरी की, और वो बहुत ज़्यादा दयनीय हालात में बड़ी हुई है। डिस्पाइट द ट्रबल्सन्स सी रिफ्यूज टू बो डाउन एंड कम्स अक्रॉस एज ए स्ट्रॉन्ग करेक्टर, काफ़ी सारी समस्याएं आती है लेकिन फिर भी वो झुकने से मना कर देती है, और एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर होता ना, जैसे जो लो पुरुष जिसे बोलते हैं, वैसी है इस नॉवल में गोदान में। सी स्पोर्ट्स वीमेन हु वर रिडिक्लूड बाय देयर ओन, और वो उन महिलाओं का भी हौसला बढ़ाती है जो अपने आप को दयनीय मानती है। एंड फाइट्स अगेंस्ट द इनजस्टिस, और इनजस्टिस के खिलाफ संघर्ष करती है, फाइट करती है। द करेक्टर इज बोल्ड इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड गोज बियॉन्ड हर हस्बैंड्स विशेज व्हेन शी टेक्स अप द फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस इन सोसाइटी। तो अगर हम दृढ़ निश्चय की बात करें तो उसमें काफ़ी बोल्ड है ये करेक्टर, और अपने हस्बैंड की जो मर्जी थी उसके खिलाफ ही जाती है जब उसे अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ संघर्ष करना था, लड़ाई लड़नी थी। सी मेक्स हिम सी द ट्रूथ, और उसे बताती है सच्चाई क्या है, एंड द रियलिटी ऑफ फैक्ट्स। अनलाइक होरी, धनिया इज नॉट लॉस्ट इन कॉम्प्लिकेशंस, होरी की तरह धनिया है वो कन्फ्यूज नहीं होती। सी स्टैंड्स बाय व्हाट सी थिंक्स इज करेक्ट एंड हर धर्मा रेदर देन द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिटी, उसे जो सही लगता है वो करती है, अपने धर्म के अनुसार रहती है, न कि लोग क्या कहते हैं उस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सी एमर्ज एज ए पावरफुल वुमेन हु इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड
helps those in need. और एक ऐसी औरत है जो कि बिना किसी जाति या बिना किसी लालच के हर उसकी हेल्प करती है जिसको आवश्यकता है. सो माई फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम ए नॉवल ऑफ मुंशी प्रेमचंद इज धनी, एंड हेयर आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन. दैट्स ऑल इन दिस सेशन. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बाकी सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट भी यहीं पर अवेलेबल होगी. इसके साथ साथ आपको सितंबर से सभी चैप्टर के नोट्स भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे. थैंक यू. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.